Archives of Prasar Bharati presents The Timeless Treasure of Golden Era. चांदनी चौक, जिसे कोई भूल जाना चाहे तो भी ऐसा नहीं कर सकता। ये वो सरजमी है जहां जन्नत भी सजदा करती है, क्योंकि यहां से खुलूस, मोहब्बत, भाईचारे और नेकी का पैगाम मिलता है। आखिर इस 355 से ज्यादा साल पुराने शाहजहानाबाद में क्या ऐसा नयापन है जो इसे आज भी आकर्षक बनाए हुए है। यहां की विरासत हर दम जवां है, हर दम नई है। अगर कहीं ढल भी रही है तो उसकी कहानी बयां करने का अंदाज तो तरोताजा ही है। शाहजहानाबाद के इसी अंदाज बयां को पूरा सम्मान देते हुए, पूरा एहतराम देते हुए हमने, यानी हमारे इस प्रोग्राम शान वही आज भी ने लंबा सफर तय किया है। हमारे इस सफर में आप हम सफर रहे हैं और हमने कदम से कदम मिलाकर इस पुराने शहर के कण कण में छिपे इतिहास को देखा और महसूस किया है। देखने से ज्यादा अहम होता है महसूस करना। जी हाँ, महसूस करना। तभी तो हम कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं तुझे देखा नहीं है, तुझे महसूस करना चाहता हूं। जिसे कोई महसूस कर लेता है वो उससे एकाकार हो जाता है। अब तक आपने चांदनी चौक की सैर करते हुए इसकी गलियों, कूचों और हवेलियों को देखा है। इन्हें बारीकी से देखा है, इनकी बनावट, सजावट और दिखावट को देखा है, इनके इतिहास की जानकारी ली है और इनके बनाने वाले कारीगरों को सलाम किया है। चांदनी चौक की धर्मशालाओं में रात बिताने वालों की तस्कीन को देखा है। चांदनी चौक की चमक दमक से भरे बाजारों में बरसती लक्ष्मी के दीदार किए हैं। इसके इबादत घरों की महिमा को भी कई बार देखा है। कई बार देखा है कि संसार के सभी धर्म एक ही आंगन में कैसे गलबहियां डालकर अपने पूजा घरों को सहेजे हुए हैं। आपने चांदनी चौक के पूजा घरों से नसीहत ली है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। ये सबक हमें धर्म ही नहीं देता, बल्कि हमारी तालीम जहां दीन दुनिया से वाकिफ कराती है, वहीं हमें एक दूसरे के मजहब का एहतराम करना भी सिखाती है। यूं तो शाहजहानाबाद तालीम के लिहाज से आगे रहा है, ये बात अलग है कि बादशाह शाहजहां और उसके बाद के वर्षों में केवल पारंपरिक शिक्षा केवल मदरसों और पाठशालाओं के जरिए दी जाती थी, मगर अंग्रेजों की चहलकदमी के साथ साथ नई तालीम के इदारे भी बनने लगे। ऐसे इदारे बने जिनका आज तक नाम है। इनमें से एक है एंग्लो अरेबिक स्कूल अजमेरी गेट, जो पुराने शाहजहानाबाद का एक रत्न बन गया। इस तालीमी मरकज ने दिल्ली और देश को ऐसी अजीम हस्तियां दी जिन्होंने न केवल देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि हर क्षेत्र में अपना और इस इदारे का नाम रोशन किया। ये तालीमी इदारा एक ऐसी हीरे की खान है जिसमें से सिर्फ हीरे ही निकलते रहे हैं। शाहजहानाबाद के अजमेरी दरवाजे के सामने एक मस्जिद के साथ 17वीं शताब्दी में सन 1692 में गाजीउद्दीन द्वारा स्थापित मदरसा तालीम और इल्म को लगातार फैला रहा है। गाजीउद्दीन का पूरा नाम नवाब गाजीउद्दीन खान फिरोज जंग द्वितीय था और वे नवाब निजामुल मुल्क आसिफ जा के पुत्र थे। उनके द्वारा चलाई गई शमा आज भी रोशन है, मगर इस मदरसे को बदलते वक्त के साथ साथ
अलग अलग नाम से पुकारा गया, जैसे गाजी उद्दीन मदरसा, एंग्लो अरेबिक स्कूल, दिल्ली कॉलेज और जाकिर हुसैन कॉलेज। मगर इसका मकसद एक और नेक रहा, शिक्षा के ज्ञान का प्रचार और प्रसार सदा इसका उद्देश्य रहा। यह 1710 में बने मीर शहाबुद्दीन गाजीउद्दीन फिरोज जंग के मकबरे में स्थित है और दिल्ली का सबसे पहला कन्या विद्यालय इंद्रप्रस्थ स्कूल, जो हर लिहाज से अहमियत रखता है। इस स्कूल की कहानी दिल्ली में नारी शिक्षा के प्रारंभ और विकास का लंबा इतिहास है। भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत का बिगुल बजाने वाली आयरिश महिला श्रीमती एनी बेसेंट के आह्वान पर दिल्ली में भी कन्या विद्यालय खोलने की हलचल शुरू हुई। दिल्ली में जामा मस्जिद के पास पहला कन्या विद्यालय खोलने के लिए लाला बाल किशन दास ने अपनी हवेली दान में दे दी और इस प्रकार ये हवेली नारी शिक्षा के इतिहास की पहली प्रत्यक्षदर्शी बन गई। पुरानी दिल्ली में इस प्रकार 20 मई 1904 को लड़कियों के पहले स्कूल इंद्रप्रस्थ विद्यालय की विनम्र शुरुआत हुई। अगर इंद्रप्रस्थ विद्यालय को दिल्ली का पहला कन्या विद्यालय होने का गौरव प्राप्त है, तो विक्टोरिया गर्ल्स स्कूल को दिल्ली का पहला गरीब कन्याओं का विद्यालय होने का गौरव हासिल है। समय बदलने के साथ साथ दौर भी बदलता गया। चांदनी चौक में मुगल सल्तनत पूरी तरह ढल गई और अंग्रेजों के बूटों की आवाजें सुनाई देने लगी। चांदनी चौक का रुतबा तो बना रहा, मगर लोग वॉल्ड सिटी के बाहर की रौनक को भी झांक झांक कर देखने लगे और कश्मीरी गेट तथा सिविल लाइंस में भी जिंदगी शबाब पर आने लगी। लोग तंग गलियों से निकलकर खुले दालान में भी आने लगे और इसी दौर में चांदनी चौक से बाहर मगर उसके निकट नई विरासत की कोपलें फूटने लगीं और नए इलाके में कई स्कूल भी खुल गए, जो अपने वक्त में तो नई देन थे मगर आज भी अपनी विरासत को सहेजे हुए तालीम दे रहे हैं साल दर साल। ऐसे ही एक स्कूल का नाम है विक्टोरिया गर्ल्स स्कूल। ये स्कूल पिछले 135 वर्षों से लगातार शिक्षा का प्रसार कर रहा है। स्कूल है कि इतिहास का कोई ग्रंथ, इससे पिछली 150 शताब्दी की यादें जुड़ी हुई हैं। इस स्कूल ने भी खरामा खरामा अपने सफर का रास्ता तय किया है। इसकी शानदार बिल्डिंग अपने आप में एक पूर्ता इतिहास है विरासत का। स्कूल की स्थापना 1868 में यूनाइटेड सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ द गॉस्पेल ऑफ इंग्लैंड द्वारा की गई थी। इसका निर्माण गरीब लड़कियों और सेंट मेरी होम की कन्याओं के लिए मूल रूप से किया गया था। इसे सेंट स्टीफन कम्युनिटी एंग्लिकन चलाती थी। इसका रखरखाव का काम कैम्ब्रिज ब्रदरहुड सोसाइटी ऑफ इंडिया करती थी। मिशनरियों के बाद अब यह काम डायसीज ऑफ दिल्ली चर्च नॉर्थ इंडिया करती है। शुरू में स्कूल केवल कक्षा 5 तक था। इसका प्रबंधन मिस कॉच और मिस गॉचर किया करती थीं। स्कूल के वर्तमान भवन का निर्माण 1925 में किया गया, जिस पर ब्रिटिश वास्तुकला और स्थापत्य की गहरी छाप है। रंगीन ईंटें, लाहौरी ईंटें, आर्चनुमा बरामदे और स्तंभ इसकी बुलंदी की दास्तान बयां करते हैं। इस स्कूल की पहली भारतीय प्रिंसिपल थी के सी जोसेफ। 1980 से 1997 के बीच श्रीमती एस एम राव प्रिंसिपल रहीं। सितंबर 1999 से अब तक प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं श्रीमती जी एफ सैमसन, जिन्होंने स्कूल के आज, कल और आने वाले कल के बारे में बताया।
इस स्कूल का निर्माण मिशनरियों ने किया, यूनाइटेड सोसाइटी जो कि इंग्लैंड की एक सोसाइटी थी उसने किया, इसीलिए इस स्कूल का नाम विक्टोरिया पड़ा। शुरू में यह स्कूल केवल 2 कमरों से शुरू हुआ, जिसमें आस पड़ोस की लड़कियों को बुला करके पढ़ाया जाता था। इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी ताकि वो बड़े होकर के अपना परिवार चला सकें। धीरे धीरे ये स्कूल बढ़ा। सन 1925 में इस स्कूल ने इस बिल्डिंग के रूप में आकार लिया। यह बिल्डिंग पत्थरों से बनी हुई है और ब्रिक से बनी हुई है। इस बिल्डिंग के अंदर हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर हम आगे की पीढ़ियों को देकर जा सकें, क्योंकि आज का ज़माना मॉडर्न ज़माना है, उसमें ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो हम ये दिल से चाहते हैं कि इस बिल्डिंग का प्रिजर्वेशन हम इसी प्रकार से कर सकें। यह स्कूल तकरीबन 600 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है। तकरीबन इसमें 30 कमरे हैं, 5 लैब्स हैं। स्कूल के अंदर 3 स्ट्रीम्स चल रही हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम चल रही हैं हमारे। हमने ये ध्यान रखा है जैसे जैसे आगे बढ़ता है हम और भी फैसिलिटीज़ इसमें डालें, जैसे कि हमने कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन स्कूल में किया है। हमारे नन्हे बच्चे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक कंप्यूटर सीखते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, ताकि वो बाहर जाकर किसी भी बच्चे से कम ना हो सकें। हमारे स्कूल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और इस साल 97% रिज़ल्ट स्कूल ने दिया है, जिसमें कई सब्जेक्ट्स में 100% रिज़ल्ट है। बच्चों को अवार्ड्स मिले हैं। हमारे चेयरमैन साहब राइट रेवरेंड करम मसीह, जो दिल्ली के बिशप भी हैं, वो स्कूल को बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं। हमें समय पर हमें बताते हैं हमें किस प्रकार क्या कार्य करना चाहिए। इस स्कूल को 1995 में DDA के अर्बन हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्कूल बेहतरीन है शिक्षा और बालिकाओं के समग्र विकास की दृष्टि से। इसका श्रेय स्कूल के चेयरमैन को भी जाता है। बिशप कारा मसीह अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझते हैं और इस संस्थान के विकास में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। दिल्ली में हमारे हेरिटेज बिल्डिंग्स के साथ जुड़े हुए स्कूल या चर्चेस हैं, उनके लिए मेरी खास रुचि है कि उनका आर्किटेक्ट जो है उसको बचा के रखा जाए। और उसके बचाव के लिए मेरे से पहले भी जो यहाँ चेयरमैन आए हैं उन सब ने जिम्मेदारी की है, और पर मैंने खास रुचि ली है क्योंकि इन हमारे विद्यालयों से लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ से शिक्षित किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो उसका आर्किटेक्ट है, जो बिल्डिंग को हिफाजत में रखना है, और इसमें से बहुत सी बिल्डिंगें हैं जिनको हमने बड़ी तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ख़ास तौर पर चर्चेस हैं और उनमें से स्कूल भी हैं। पिछले दिनों में हमारे एक चर्च को हेरिटेज अवार्ड भी मिल चुका है, सेंट स्टीफन चर्च जो फतेहपुरी में है, बहुत पुराना है, वो लाल गिरजे के नाम से पुकारा जा रहा था और आज भी उसका नाम लाल गिरजे से लोग लेते हैं, और उसको हमारी सरकार ने पिछले दिनों में हेरिटेज अवार्ड दिया है। और इसी तरह से हमारे पास विक्टोरिया स्कूल है जिसके लिए करीब वो 100 साल से ऊपर है, और इन 100 सालों में और 100 साल से ऊपर के उस समय में हमने उस बिल्डिंग के पूरी तरह से हिफाजत की है, उसकी कोई भी ईंट नहीं गिरने दी है। कहीं गिरी है तो उसको हमने बड़ी हिफाजत के साथ और बड़ी एहतियात के साथ उसको संभाल के रखा है। और ये क्योंकि हमारे को धरोहर मिले हुए हैं, हम चाहते हैं कि इनकी हिफाजत रखें और आने वाली जो नस्लें हैं, जो पीढ़ियां हैं, उनको भी ये बताएं कि इनको संभाल के रखना। हम चाहते हैं कि इन बिल्डिंगों के द्वारा ही अपने भारत का पूरा निर्माण कर सकें, जैसे इन बिल्डिंगों का निर्माण हुआ है और आज तक खड़ी हैं, इसी तरह से भारत के भी निर्माण हो और भारत के लोग जो हैं जिससे उनकी तरक्की हो और उनका भी निर्माण हो सके, ये हमारा प्रयास है और यही हमारी पूजा है। हम चाहते हैं कि अपने भारत के अंदर सब लोगों को शिक्षित करें। ये जो एजुकेशन का मामला हमारे सामने है, ये सब के लिए है। हम इसमें किसी का कोई भेदभाव नहीं रखते हैं,
कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी किसी तरह का वितकरा नहीं रखा जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किसी के साथ। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि भारत सरकार के और दिल्ली सरकार के साथ मिलके पिछले दिनों में 30 जून को एक भागीदारी का सिस्टम शुरू किया था, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन द न्यू मिलेनियम। ये मेरा विषय था कि किस तरह से हम पूरे इकट्ठे होकर के, व्हेन वी वर्क टुगेदर वी गेट सक्सेस। और ये मेरा कहना है कि हम सब मिलकर के काम करेंगे और भारत को एक ऊंचे शिखर पर लेके जाएंगे, जिससे कि भारत का नाम सारी दुनिया में ऊंचा हो और इसका झंडा सब दुनिया से ऊंचा हो सके। जय हिंद, जय मसीह। स्कूल ने 1968 में अपनी शताब्दी यानी 100 वर्ष पूरे किए। 100 वर्ष किसी भी संस्था के लिए एक बहुत अहम कीर्तिमान माने जाते हैं। 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला स्कूल एक सर्वसंपन्न शिक्षा संस्थान है, जिसमें 5 प्रयोगशालाएं, 22 कमरे, पुस्तकालय तथा खेल के मैदान भी हैं। 1974 में स्कूल का दर्जा हायर सेकेंडरी तक किया गया। 1980 में यह सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया। 1982 में कॉमर्स और 1988 में साइंस की शिक्षा का भी पूरा प्रबंध कर दिया गया। स्कूल का वातावरण शिक्षा के प्रति पूर्ण रूपेण अनुकूल है। स्कूल के पहले तल पर हॉस्टल है, जहां बालिकाओं के लिए उत्तम व्यवस्था है। स्कूल में अध्यापिकाओं को पढ़ाते देखकर यूं लगता है कि उनमें कूट कूट कर समर्पण भावना भरी है। वे पूरी तरह तल्लीन होकर अपना विषय समझाती हैं। अध्यापिकाओं का स्कूल के साथ काफी पुराना नाता है, यानी जो अध्यापिका यहां काम करना शुरू करती है उसे कहीं किसी और स्कूल में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। मैं यहाँ पे 36 ईयर से पढ़ा रही हूँ और मैं प्राइमरी में पढ़ाती हूँ, तो मेरे सारे सब्जेक्ट मैं लेती हूँ इन बच्चों के। दूसरी बात यह है कि मुझे ये स्कूल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। स्टाफ में हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम लोग बहुत एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सॉल्व करते हैं। दूसरी बात, हमारे बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें हम अपने बच्चों की तरह उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे कैसी भी हो। इसलिए बच्चे भी हमसे बड़े खुश रहते हैं। अभी तक तो ऐसा है कि बच्चे हमसे बड़े खुश रहते हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं। इवन पेरेंट्स भी हमसे बहुत सेटिस्फाइड हैं। हम उनको पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। सेकेंड चीज़, हम उनकी पर्सनल हाइजीन पर ध्यान देते हैं। उनके और भी कोई भी बात होती है, हम उनका पूरा ध्यान देते हैं। फिर ये बिल्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पे 100 ईयर्स जब इस बिल्डिंग को हुए थे तो वो मैंने अटेंड करा है, और उस टाइम से ये बिल्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग है और ऐसा लगता है जैसे हम किसी मॉन्यूमेंट्स में पढ़ा रहे हैं। एक हिस्ट्री हमें पता लगती है, जिससे कि बच्चों को भी हम बता पाते हैं और बच्चे भी बड़े उत्सुक होते हैं इसे जानने के लिए कि ये बिल्डिंग किसने बनाई, कब से है, किसके नाम से और क्यों है इस नाम से। मैं विक्टोरिया स्कूल में 1966 से पढ़ा रही हूँ। इस स्कूल से मेरा बहुत लगाव है, क्योंकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से शुरू हुई है। इस स्कूल से मेरा संबंध 1949 से है, और 1966 में जब मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू करा तो मेरी एक यही इच्छा बचपन से थी कि मैंने जहाँ से मेरी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई है मैं वहीं पे पढ़ाऊँ। और मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे यह आशीष दी कि मैं यहीं पे पढ़ा सकूँ। और मेरा इतना सौभाग्य है कि जब इस स्कूल ने अपने 100 साल पूरे किए तो मैं यहाँ पर थी, 125 साल पूरे किए तब भी मैं यहाँ पर थी। और मैं आशीष चाहती हूँ इस स्कूल के लिए कि वो इतनी उन्नति करे कि भगवान इस स्कूल को और यहाँ के सब लोगों को दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने का अवसर दे। और मैं भाग्यशाली एक और तरीके से भी हूँ कि मुझे इस साल MCD की तरफ से बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है, और वो सारा उसकी आभारी मैं अपने स्कूल के लिए हूँ, और वो अवार्ड मुझे सोनिया गांधी जी के द्वारा दिया गया है। स्कूल का पुस्तकालय पुस्तकों का अपार अंबार भंडार है।
जिसका विद्यार्थी भरपूर इस्तेमाल करते हैं। सुबह की प्रार्थना में काफी नसीहत मिलती है। आरती के अलावा राष्ट्र प्रेम का जज्बा भी भरा जाता है। प्रयोगशालाओं में बच्चे इस प्रकार जुटे हैं, इन्हीं में से तो कई बड़े होकर वैज्ञानिक बनेंगे। स्कूल में सांस्कृतिक गतिविधियों की कोई कमी नहीं है। विशेष अवसरों पर रंगोली से खूबसूरत सजावट की जाती है और ऐसा करना बच्चों को भी सिखाया जाता है। इसके अलावा तरह तरह के लोक नृत्य हैं जिन्हें देखकर मन झूमने लगता है। स्कूल का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। इनके लिए स्वस्थ तन और मन की आवश्यकता होती है। यहाँ के हरे भरे मैदानों और खेल मैदानों में इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था है। हमारे स्कूल में बहुत सारी गेम्स एक्टिविटीज हैं, लाइक बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, टाइकोंडो एटसेट्रा। मैं टाइकोंडो की स्टूडेंट हूँ। मैं 3 साल से टाइकोंडो कर रही हूँ। मैंने कई लेवल्स पर खेला है। मैं नेशनल लेवल पर सिलेक्शन भी दिया है, पर मुझे दिल्ली स्टेट में मंगल राठी मेमोरियल में गोल्ड मेडल मिला है। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मेडल सबके बीच में मिला है और मुझे फिजिकल एजुकेशन कॉलेज की प्रिंसिपल ने ही पहनाया गया है। मुझे ये स्कूल बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की मैडम्स भी मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ की मैडम हमें कंप्यूटर भी सिखाती हैं, हमें गेम्स भी सिखाती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं। मुझे ये स्कूल बहुत अच्छा लगता है। तरह तरह के खेलों में बच्चों को पारंगत किया जा रहा है। इसके अलावा हेल्थ क्लब में भी बच्चे अपने को चुस्त दुरुस्त रखने की कोशिश करते हैं। स्कूल का काम होता है, नाम बोलता है, तभी तो स्कूल और इसकी प्रिंसिपल को अनगिनत अवार्ड्स मिले हैं। पुरस्कार प्रेरणा का काम करते हैं, आगे पढ़ने और श्रेष्ठ काम करने का साहस देते हैं, उत्साह देते हैं। वैसे तो कुल मिलाकर ये विद्यालय साहस, प्रेरणा और संस्कार प्रदान कर रहा है और इसकी यात्रा अनंत है। इसकी अनंत यात्रा के लिए अनेक शुभकामनाएं।